दोस्तों, जब आप पीएम किसान पोर्टल पे जब आप किसी भी किसान का नया रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आपके सामने जो है ना बहुत सारा एरर आना शुरू हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे। अक्सर ऐसा सभी लोगों के साथ आ रहा है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एरर रिस्पॉन्स टाइम आउट प्लीज़ ट्राई अगेन, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं pmkisan.gov.in। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने आधार नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाल लिया, इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके OTP जैसे ही आप गिराते हैं तो यहाँ पे जो है ना ऑटोमेटिक ये लिखा हुआ आ जाता है कि एरर कौशन रिस्पॉन्स टाइम आउट प्लीज़ ट्राई अगेन। यही नहीं दोस्तों, एक और एरर आता है जो कि मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, योर रजिस्ट्रेशन विथ आधार नंबर इतना इतना इज अंडर प्रोसेस, द सेम हैज़ बीन अप्लाइड थ्रू पीएम किसान पोर्टल। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है पीएम किसान पोर्टल पे, तो यहाँ पे आप जो है फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका क्या निदान है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। और सही दोस्तों, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेरी है, अगर नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या निदान है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप पीएम किसान रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं पीएम किसान पोर्टल पे, जैसा कि pmkisan.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं टॉप में ही आपको देखने को मिल जाता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल डाउन आप करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है EKYC के बगल में, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। तो या तो आप इस पर क्लिक करा लीजिए या फिर इस पर क्लिक करा लीजिए, दोनों पे बिल्कुल सेम काम करता है। तो चलिए हम न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही दोस्तों आपके सामने फार्मर रजिस्ट्रेशन का इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होता है, जहां से आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं किसी भी किसान भाइयों का। तो यहाँ पर इंटर आधार नंबर में सबसे पहले आधार नंबर आप डालते हैं, साथ ही मोबाइल नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है जो उनके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल होगा। तो यहाँ पे चलिए हम आधार नंबर और मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर आएगा मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम डाटा डाल करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हमने डाटा को फिल कर लिया है, अब यहाँ से गेट OTP पे हम क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते ही दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एरर आएगा, और एरर में क्या है कि योर रजिस्ट्रेशन विथ आधार नंबर इतना इतना इज अंडर प्रोसेस, यानी कि अभी तक प्रोसेस में ही है और ये लगभग लगभग 6-7 महीने से प्रोसेस में ही जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये आपका गलती है। क्या गलती आप किए थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ से मैं ओके करा लेता हूँ, तो वापस से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो वेबसाइट है फिर से हम क्लिक करा करके ओपन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से वैसा ही इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है योर रजिस्ट्रेशन विथ आधार नंबर इतना इतना इज अंडर प्रोसेस सेम हैज़ बीन अप्लाइड थ्रू पीएम किसान पोर्टल, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मान लीजिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे हमें इसका जो है स्टेटस दिखना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए हम इस पर भी क्लिक कराते हैं। क्लिक कराने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जा रहा है, तो ये तो आपको मिला ही नहीं होगा। तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करके आप जो है ना मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे या फिर आधार नंबर डालेंगे किसी भी किसान भाइयों का जिनका एरर आ रहा है कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पर हम आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है, इसके बाद गेट मोबाइल OTP पे क्लिक कराना है। तो चलिए इस पर क्लिक कराते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब आप आते हैं तो जैसा कि यहाँ पे एक एरर देख पा रहे हैं, यू हैव नॉट कम्प्लीटेड EKYC, प्लीज़ कम्प्लीट द EKYC प्रोसेस। तो चलिए यहाँ से ओके कराते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा था कि EKYC आपका कंप्लीट नहीं है, तो चलिए हम यहां से EKYC भी एक बार करके देख लेते हैं। यहां पे क्लिक कराते हैं पीएम किसान पे। वापस से क्लिक कराने के बाद फिर से हम आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, EKYC पे क्लिक कराते हैं। EKYC पे क्लिक करते ही यहां से जैसा कि OTP बेस्ड EKYC देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम आधार नंबर डाल करके और सर्च करते हैं। अब यहाँ पर एक एरर आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि दोस्तों कुल मिला करके ना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो रखा है। तो दोस्तों इसका कुल मिलाकर के जो इसका सॉल्यूशन है चलिए बिल्कुल क्लियरली बता रहे हैं। तो प्लीज़ अब जो है आपको पूरा कंसंट्रेट करना है वीडियो में, थोड़ा सा भी जो है स्किप ना करें। तो जैसा कि पीएम किसान के वेबसाइट पे वापस से आना है और यहाँ पे आने के बाद अब इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब दोस्तों न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा करके आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं इस प्रकार का एरर या फिर इस प्रकार का एरर,
या फिर इस प्रकार का एरर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये सब आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सब से निदान पाने के लिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं चार नंबर पे अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इस पर हम क्या कराएंगे, क्लिक कराएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गौर करिए, आपको बोला जा रहा था कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, या फिर ओटीपी का एरर अगर आए या फिर किसी भी प्रकार का एरर आए तो आप समझ जाइए कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आपको अपडेशन वाला सेक्शन में जाना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आधार नंबर आप डालिए और साथ ही यहाँ पे कैप्चा कोड डालिए और सर्च पे क्लिक करिए तो आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अक्सर ऐसा एरर जब आता है, जब मान लीजिए अगर किसी भी किसान भाइयों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और एक बार में आपने फॉर्म को सबमिट नहीं किया, और अगर आपने, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे अगर ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, अगर आप इस पेज को क्लोज करा देते हैं तो फिर आपको वो एरर देखने को मिलेगा। क्योंकि सेकेंड टाइम जब आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो रजिस्टर्ड होगा ही नहीं, तो इसलिए यहां पे जैसा कि अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर क्लिक करा के आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के सर्च पर क्लिक कराते हैं। सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं सेल्फ रजिस्टर मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ये ले लिया, क्योंकि एक बार हम रजिस्टर कर चुके थे लेकिन पूरा फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कराए थे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर भी आ गया है। चलिए यहाँ पे हम कैप्चा कोड डालते हैं और आगे का प्रक्रिया यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करा करके ओटीपी गिराएंगे। अगर आप मोबाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर भी सकते हैं, मोबाइल नंबर को चेंज कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं ओटीपी हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम जो है ओटीपी को डाल करके कैप्चा कोड डालेंगे और गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कराएंगे, क्योंकि अब एक बार जो है आधार रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी गिरेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल ओटीपी, अब ओटीपी आधार रजिस्टर मोबाइल पे भेजा गया है, तो ओटीपी डाल करके वापस से कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट फॉर ऑथ पे क्लिक कराएंगे। जैसा कि यहाँ पे आधार रजिस्टर ओटीपी हमने डाल लिया है, अब सबमिट फॉर ऑथ पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटर वैलिड इमेज टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे जो कैप्चा है ये गलत हो गया, तो वापस से हम जो है कैप्चा कोड डालते हैं CS49SR, और अब हम यहाँ से सबमिट फॉर ऑथ पे क्लिक कराते हैं। क्लिक कराते ही आपके सामने जो है इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ से हम फॉर्म भरते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं वापस से आपका फॉर्म ओपन हो गया, जो कि आप यहाँ से इस फॉर्म को भरने के बाद फाइनल सबमिट करा सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे, यहाँ से हटा दीजिए और जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है डाल लीजिए। तो इस फॉर्म को भरने के बाद लास्ट में देख पा रहे हैं सेव, जैसे ही आप कराएंगे तो आपके सामने रिसिप्ट भी जनरेट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कराएंगे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आप अपना अपडेट देख पाएंगे कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। या फिर दोस्तों अगर मान लीजिए पीएम किसान से रिलेटेड अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कतें समस्याएं यहां पे जनरेट हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। इसका प्रॉपर वे में एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि यहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बहुत लोग घबरा जाते हैं कि क्या अपलोड करना है, रसीद करें, LPC करें, दस्तावेज़ करें, या फिर यहाँ पर क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है, या फिर यहाँ पे कौन सा डेट डालना है, यानी कि कुल मिलाकर के बहुत सारे यहाँ पे समस्याएं आ रही है। या फिर यहाँ पे पट्टा नंबर RFA में यस कराएं, नो कराएं, क्या कराएं, तो ये सब चीज़ें अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।